अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये हेयर ट्रिमर जो है इसको किस तरह आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। ये अगर स्टक होना शुरू हो गया है या इसके अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो एक तो इसका हेड जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ से इसकी क्लीनिंग जो है वो आसानी से हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इसमें कुछ बाल वगैरह जो है वो अंदर इसमें फंसे रह जाते हैं, जो इस तरह ऊपर से अगर ब्रश से साफ करें भी सही तो वो क्लीन नहीं होते, तो उसको हम कैसे क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे इसकी ये जो सेटिंग बनी होती है प्लास्टिक की, जो इस ये जो ब्लेड वाला इसका हिस्सा जो घूमता है इसको रोक के रखती है, तो इसको इस तरह ओपन करेंगे और फिर ये इसको बाहर निकाल के फिर इसकी क्लीनिंग जो है वो करेंगे इसकी। तो ये देखें, यहाँ पे इसको खोलना जो है बहुत ही आसान है, ये सिर्फ दो लॉक बने होते हैं और जैसे ही ये लॉक आप ओपन करेंगे तो ये अलग हो जाता है इस तरह। तो इसको आप फिर इस तरह वॉश भी कर सकते हैं और वही ब्रश से, ये देखें आप बाहर से जब हमने ब्रश से साफ किया तो ये अंदर इसके बावजूद फिर भी कुछ हेयर जो हैं वो स्टक हैं, तो वो क्लीन नहीं होते प्रॉपर। तो फिर दूसरा ट्रिमर आपने देखा होगा उसके साथ एक वो छोटी सी डिब्बी दी होती है ऑयल की, तो वो भी यहाँ पे एक दो कतरे ऑयल के इसके जब इसमें लगा देते हैं तो ये फिर बहुत स्मूथ इसकी मूवमेंट हो जाती है और बिल्कुल बेहतरीन वर्क करता है ये फिर। तो ये देखें यहाँ पे ये इसका जो मैश बनी हुई है जाली, इसको भी निकाल के क्लीन कर लेंगे और इसको भी आप इस तरह धो के भी साफ कर सकते हैं। तो ये अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो इसमें फिर जाहिर है अगर ये स्टक होता है या बहुत ज़्यादा मोटर को इसमें पावर लगती है इसको घुमाने के लिए, तो उसमें फिर आपकी बैटरी जो है वो बहुत जल्दी ये आउट होती है, बैटरी की टाइमिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है बैकअप। तो यहाँ पे इसके ये एजेस जो हैं ये भी आप देख सकते हैं, इनके ऊपर भी बार दफ़ा वो फिर डस्ट सी इस तरह जम जाती है, तो उसको भी क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन करने के बाद वापस इस तरह बहुत आसान है इसको दोबारा जोड़ना, ये देखेंगे। तो और इसका ये जो हेड है इसके ऊपर हल्का हल्का वो ऑयल जो है वो मैंने लगा दिया है जो इसके ट्रिमर के साथ आता है, तो अब इसके ऊपर ये जो सेटिंग है लॉक वाली ये लगा देंगे, ये देखेंगे। और अब इसको चला के चेक करते हैं। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसको ऑन किया अभी तो बहुत ही कम हो गई है इसकी आवाज़ जो है वो बेहतरीन, ये इसकी मूवमेंट जो है वो हो रही है और ये वर्क कर रही है। तो इस तरह बहुत आसानी से आप ये इसकी क्लीनिंग जो है वो कर सकते हैं ट्रिमर की। थैंक यू।